सुनिएगा कि काले कोर्ट में काले धन वाली लिस्ट लगते हो। अच्छा, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताओ कि मैं बात सही कर रही हूं कि काले कोर्ट में काले धन वाली लिस्ट लग रहे हो, कंप्यूटर के जमाने में पुराने टाइपिस्ट लग रहे हो, और जिस तरह बीच बीच में बोल रहे हो तो आलू से सोना बनाने वाले साइंटिस्ट लग रहे हो। क्या हो कर रहे हो? मतलब ये इनडायरेक्ट मेरे को पप्पू बता रही है और मधु भैया और जीतू भैया को मजे आ रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपका वकील हूँ, आप मेरे पर भरोसा रखो थोड़ा। मैं वो हूँ जो काले धन को भी सफेद धन बना दूँ। अच्छा, अब संभालना पंक्ति कि मैं वो हूँ जो काले धन को भी सफेद धन बना दूँ। पुरानी टाइपिंग से मोहब्बत की पिटीशन बना दूँ और आलू से सोना बनाने की क्या बात कर रही हो आप? मैं तो मन से अगर छुलू तो अभागन को भी सुहागन बना दूं। वारे वार्ड क्रमांक 11, एकदम जागृति आ गई तुम में। मुझे तो पहले ही पता था यहाँ कार्यक्रम की आदत 10 बजे शुरू करने की है, 8 बजे तो इनकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। अब 8 बजे जिस जगह पीछे वाले लोग गए थे वहां से धीरे धीरे चलकर आ रहे हैं, यानी धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं, अब और खुलेंगी। तुम्हारी वार्ड क्रमांक 9 अभी खुलना बाकी है आंखें। अब जरा तुम भी अपनी ऊर्जा का प्रमाण दो। दूं जवाब? तो राव में ऐसे थोड़ी जवाब दिया जाता है। जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि मुझे जवाब देना है। ये बना दूं, वो बना दूं, छू लूं तो ही कुछ भी बना दूं। गजब कॉन्फिडेंस अगले का। तब कहना चाहती हूं कि लग रहे हो आप महागठबंधन के बवाल की तरह। अच्छा, लग रहे हो आप महागठबंधन के बवाल की तरह, चिल्ला चिल्ला कर पूछे जा रहे राफेल के सवाल की तरह, और बंगाल की दीदी के काले जादू का असर दिख रहा है साफ, हरकतें कर रहे हो झाड़ू वाले खुजलीवाल की तरह। खुजलीवाल? अच्छा, अगले की सूरत तो बिल्कुल मिलती है खुजलीवाल से। देखो प्रेरणा जी, अब आपके मन लायक पंक्ति अगर पढ़ दूं जो इन्होंने कहा तो ताली बजाना कि मैं काले जादू पर भी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रहार हूँ। अच्छा, संभालना पंक्ति यहाँ से वहां तक कि मैं काले जादू पर भी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रहार हूँ, राफेल के हर सवाल का जवाब शानदार हूँ, और आप बोफोर्स की गड़बड़ी थी हड़बड़ी मत करो, मैं खुजली की दवा भी हूँ, पक्का चौकीदार हूँ। मतलब जीतू भैया चौकीदार नाम आना चाहिए, बस सबकी बाँचें खिल जाती हैं। गजब बात है। अब मैं बताना चाहती हूँ चार पंक्तियाँ, यदि अब की बार आपको ऐसा लगे कि मैंने देखकर सही पढ़ दी है तो इस बार उतना ही हो हल्ला मेरे समर्थन में होना चाहिए। और हाँ, ये बंटी भैया की आवाज होगी जरूर। ये दूसरा बंटी है। अच्छा, ये दूसरा बंटी है, मतलब सारे ही बंटी है यहाँ? क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बंटी भैया का ही काम है? बंटी तो अभी सजने गया है। बढ़िया, सुनना मेरी पंक्तियाँ सुनना, और वापस इस चेचिस की तरफ देखना, ये आपके यहाँ का लोकल चेचिस है, लेकिन पंक्तियाँ मुझसे सुनिएगा कि अजगर दिखाकर मंजन बेचने वाले हकीम हो। अच्छा, अजगर दिखाकर मंजन बेचने वाले हकीम हो, दवा दारू चूर्ण बता रहे हो लेकिन खुद ही अफीम हो, और अननोन नंबर से बोल रहे हो अनचाहे कॉल की तरह, अननोन नंबर से बोल रहे हो अनचाहे कॉल की तरह, आप देखने में आदमी नहीं जियो की जरा सी सीम हो। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं वो हकीम हूँ, संभालना पंक्ति कि मैं वो हकीम हूँ जिसकी दवा 100% काम करती है। अब थोड़ा सा कवि सम्मेलन को और जागृत करना कि मैं वो हकीम हूँ जिसकी दवा 100% काम करती है। ये अफीम दवा दारू सबका काम तमाम करती है, और अब पंक्ति संभालना कि ये दवा दारू सबका काम तमाम करती है, और आप खुद को स्क्रीन टच रंगीन मोबाइल समझकर गुमान मत करो, मोबाइल कितना ही बड़ा हो सिम जरा सी काम करती है।
क्या हो कर रहे हो? गजब के शातिरों बेटा, तुझे क्या समझ में आ रहा है? तेरी तो बुआ हूं मैं। तू तो शांति से बैठ जा बेटा, अभी मत डालने की भी उम्र नहीं हुई है। गजब के बच्चे हैं राहू के साहब, मतलब पिताजी ऐसे ऐसे बैठे हैं तो बच्चे तो ऊर्जावान होने ही हैं। लेकिन चार पंक्तियां निवेदन करती हूँ मित्तल साहब, आपकी ओर से निवेदन कर रही हूँ इस बार, आपकी दाद चाहती हूँ विशेष तौर पर, सुनिएगा। कि विराट कोहली बनने में खुद का क्रिकेट बिगाड़ लिया। अच्छा, विराट कोहली बनने में खुद का क्रिकेट बिगाड़ लिया, आईपीएल के सट्टे में खुद का विकेट बिगाड़ लिया, और व्हाइट बॉल को छेड़ने की आदत पड़ गई कुछ इस तरह, इसी चक्कर में खुद का रन रेट बिगाड़ लिया। लोग हैं, नहीं सही कह रहा हूं मैं? अनुष्का बन के देखोगी तो कहोगी विराट का क्रिकेट अच्छा है। अब संभालना पंक्ति, इन्होंने जो कहा उसका जवाब, कि अनुष्का बन के देखोगी तो कहोगी विराट का क्रिकेट अच्छा है, इश्क के आईपीएल में सट्टा लगाओ दिल का विकेट अच्छा है, और आपके दिल के आईपीएल में सट्टा लगाओ इश्क का विकेट अच्छा है, और वाइल्ड बॉल को छेड़ता तो हूं पर छोड़ता नहीं, हेलीकॉप्टर शॉट लगाना आता है इसीलिए रन रेट अच्छा है। मतलब तुम्हारे यहाँ के मामा है तो हर बात पे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे भी बुआ जी मानो और अंतिम पंक्तियां सुनो। क्योंकि समय कम है, मैं अपने कविता पाठ की ओर चलना चाहती हूँ और कहना ये चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही मुझे तुम लुभाओगे। सुनना अतुल जी। वारे बबुआ, कि हमेशा इसी तरह तुम मुझे, हमेशा इसी तरह तुम मुझे लुभाओगे, गीत जब मेरे मन के लायक गाओगे, और मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने घर आओगे। क्या ताली बजा रहे हो रे? मतलब मैं आपका वकील और आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए हो। देखो प्रेरणा जी, ऐसा इन्होंने कहा बात खत्म करती हो तो बात मैं खत्म करता हूँ। इन्होंने जो कहा उसका जवाब क्या है, स्थिति चुनाव का मौसम है और आचार संहिता है, तो पंक्तियां सुनना। क्या अब क्या गीत गाएं जब आवाज ही गिरफ्त हो गई। संभालना पंक्ति, चौथी पंक्ति में आनंद आ जाना चाहिए आपको भी। क्या अब क्या गीत गाएं जब आवाज ही गिरफ्त हो गई, मन के कंप्यूटर की सारी फाइलें ही करप्ट हो गई, और तुम्हें घर जाके अपने पति से लड़ना है, मुझे अपनी पत्नी से, हम आपस में क्या लड़े जब दोनों की ही जमानत जब्त हो गई। लेकिन देखिए।